अब छात्राओं के लिए स्कूल भी असुरक्षित बनता जा रहा है, जहां शिक्षक ही अपनी छात्राओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। उस विद्यालय की भला क्या स्थिति हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। ऐसा ही एक मामला धनबाद के सिंदरी थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाली सातवीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल के दो शिक्षकों के विरुद्ध छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने स्कूल के प्राचार्य को मामले से अवगत कराया था, लेकिन प्राचार्य की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा छात्राओं को ही चुप रहने की हिदायत दी गई थी। अब छात्रा के परिजनों ने सिंदरी थाना में दोनों आरोपी शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा की मां की शिकायत के बाद सिंदरी पुलिस ने दोनों आरोपी शिक्षकों शोभा राम मांझी और सत्येंद्र तिवारी के विरुद्ध पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के साथ ही स्कूल प्रबंधन ने भी दोनों आरोपी शिक्षकों को निलंबित कर दिया है, साथ ही एक जांच कमेटी बनाकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला आया है, इसमें क्या कुछ आपने एक्शन लिया? अभी उसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था, स्पष्टीकरण का जवाब आया है, जवाब अभी संतोषजनक नहीं पाया गया, तो अभी तत्काल प्रभाव से आज, चूँकि 3 दिन विद्यालय बंद थी, उसका जवाब का इंतजार कर रहे थे और आज जवाब आने के बाद आज तत्काल प्रभाव से उनको निलंबन कर दिया गया। दोनों टीचर को? दोनों शिक्षकों को, दोनों आचार्य। क्या क्या नाम है? एक शोभा राम मांझी जी हैं और एक सत्येंद्र कुमार तिवारी जी। अच्छा, ये तत्काल प्रभाव से कितना तक चलेगा? और जब तक हम लोग क्लियर नहीं हो लेंगे कि भाई क्या बात है, जाँच कमेटी पूरी नहीं हो जाती तब तक वो। क्या जाँच कमेटी बन चुकी है? हाँ, जाँच कमेटी बनी थी। हालांकि कौन है जाँच कमेटी में? जाँच कमेटी में अपने तीन, मंजू जी और अपने रजना दीदी जी और गोदिन दीदी जी और एक बड़ी आचार्य थे अशोक कुमार झा जी, है ना, तो उनको भी रखे थे, क्योंकि बड़ी हैं तो उनको भी रखा गया था। हालांकि उनको हम एक दिन बुलाए भी थे इस संबंध में पूछताछ करने के लिए कि भाई कि आप लोग क्या किए हैं इसमें, है ना। सभी लोग अपने ही विद्यालय के हैं? हाँ, अभी अपने ही विद्यालय के हैं और अपनी समिति को भी बता दी गई, मौखिक जानकारी हम दिए थे समिति को भी। मैं इसके संबंध में रीना कुमारी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर कांड पंजीकृत किया गया है, अनुसंधान की जा रही है। मतलब दो ही हैं कि और भी आरोपी इसमें? वो तो चार आदमी पर लगाया है, दो आदमी तो मतलब वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल पर धमकाया जा रहा था, यही आरोप लगाया। इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए धनबाद से अमित सिन्हा की रिपोर्ट।